अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा इन पैन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान वीडियो रेसिपी है। मैंने ख़ुद भी पहली बार पैन में पिज़्ज़ा बनाया है और मैं इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट वाकई बग़ैर बेकिंग ओवन के भी ये पिज़्ज़ा बहुत बेहतरीन बना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले पिज़्ज़ा डो बनाना होगा, तो डो बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए पहले उनको नोट डाउन कर लें। डो बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून खमीर यानी कि ईस्ट, 1 टीस्पून चीनी यानी कि शुगर, 1 टीस्पून नमक यानी कि सॉल्ट, आधा कप आपको बिल्कुल हल्का नीम गर्म पानी चाहिए होगा, 2 to 3 टेबलस्पून आपको तेल के चाहिए होंगे और 3 कप यहाँ पे मैं मैदा इस्तेमाल करूँगी। अब एक बोल में आप पानी ऐड करें, साथ में ही चीनी भी शामिल कर दें, खमीर भी ऐड कर दें और ये सब ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट गुजर जाने के बाद अब आप इसमें नमक शामिल कर दें, साथ में इसमें आप तेल ऐड कर दें, 2 से 3 टेबलस्पून इसके लिए इनफ होगा और अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब 3 कप मैदा छान लें। मैं यहाँ पे 3 कप ही यूज़ करूँगी, लेकिन आप चाहें तो 1/2 कप बढ़ा सकते हैं और बाकी की चीज़ों का रेशो सेम रहेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपने डो को बिल्कुल हल्के नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। पानी आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है और डो जो है वो बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन सॉफ्ट डो होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैदा यूज़ करते हुए आपने इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा गूंद लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर पिज़्ज़ा डो को बहुत ज़्यादा गूंदा जाए तो उस वजह से पिज़्ज़ा सख्त बनता है। ये छोटी छोटी टिप्स जो मैं आपको इन बिटवीन दे रही होती हूँ उसको प्लीज़ गौर से सुना करें और फॉलो किया करें, तो ही आपका एग्जैक्ट रिज़ल्ट आएगा। तो इसके बाद इसको पहले से ग्रीस किए हुए बोल में आपने डो को रख देना है और डो को भी आपने ऑयल से स्प्रे कर लेना है ताकि आपको निकालने में आसानी हो। और अब आपने इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटा राइज होने के लिए छोड़ देना है। मीनवाइल आप चिकन प्रिपेयर कर लें और जो चीज़ें चाहिए उनको आप नोट डाउन कर लें। चिकन के लिए आपको चाहिए होगा नमक हसब ज़ायका, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून आपको लीमू का रस चाहिए होगा, 1 टीस्पून आपको तेल चाहिए होगा, 1 टीस्पून आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा तकरीबन 300 से 400 ग्राम यहाँ पे मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ बोनलेस, जिसको कि मैंने थिन स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो सबसे पहले जाएगा नमक हसब ज़ायका, लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस, तेल जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब आप इसको अच्छे से मिक्स करके 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें और स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब एक पैन में 1 टीस्पून तेल ऐड करें और उसमें चिकन शामिल करके अगर बोनलेस थाई है तो तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए आपने चिकन को पकाना है, या अगर बोनलेस ब्रेस्ट पार्ट है तो 8 से 9 मिनट आपने इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पका लेना है।
तकरीबन 1 से 1.25 घंटे में डो यहाँ पे अच्छे से राइज हो चुका है। अब काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करें और डो को इस पे निकाल लें। एक टिप मैं आपको दे दूं, आपने इसको गूंदना नहीं है, फर्दर आपने इसको बिल्कुल नहीं गूंदना डायरेक्टली। अब आपने इसके पोर्शंस कर लेने हैं, जितने आपने करने हैं आप उतने इसके हिस्से कर लें। मैं जिस पैन में पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। और अब जो एक हिस्सा जो मैं यूज़ करूँगी उसको 5 मिनट मैंने छोड़ दिया था, और अब हाथों से ही मैं इसको पैन के डायमीटर पे फैला लूँगी। आप रोलिंग पिन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब एक कांटे की मदद से आप थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से होल्स बना लें। पिज़्ज़ा टॉपिंग्स में मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन, प्याज, शिमला मिर्च, इसके अलावा ब्लैक ऑलिव्स यानी कि जैतून, इसके अलावा मोज़रेला चीज़, और पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होगी, और आपको चाहिए होगा तेल और थोड़ा सा नमक। सीजनिंग के लिए मैं 3 हर्ब्स यूज़ करूँगी, तो सबसे पहले 2 टीस्पून ऑरिगैनो, 1 टीस्पून थाइम लीव्स और 1 टीस्पून बेजल लीव्स। इन तीनों को एक बोल में आप कंबाइन कर लें, और कंबाइन करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप ये तीनों हर्ब्स यूज़ करें, आप सिर्फ ऑरिगैनो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब लो टू मीडियम हीट पे पैन को गरम करें और इसमें पिज़्ज़ा डो को ऐड कर दें। अब आपने इस साइड को 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, या फिर जब तक कि आप चेक कर सकते हैं इस तरह के लाइट ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाएं। तो ये कर लेने के बाद इसको आप एक प्लेट में निकाल लें। अब पैन को थोड़ा सा तेल लेके आप अच्छे से ब्रश कर लें और इस साइड को भी पका लें। और इसके बाद जो साइड आप ऊपर रखना चाह रहे हैं, डजंट रियली मैटर, तो उसके ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस लगा दें, जितनी आप पसंद करते हैं उतनी लगाएं। इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें, इसके बाद चिकन ऐड कर दें, साथ में प्याज ऐड कर दें। टॉपिंग्स आप अपनी जो आप पसंद करते हैं वही ऐड करें, शिमला मिर्च ऐड कर दें। इसके बाद दोबारा से चीज़ ऐड कर दें, जितनी पसंद करते हैं उतनी ऐड करें, और फिर ऑलिव्स ऐड कर दें, और आखिर में जो सीजनिंग तैयार की थी उसको आप 2 से 3 चुटकी स्प्रिंकल कर दें, इससे ज़्यादा नहीं, वरना आपके पिज़्ज़ा का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब आप पैन को एक ढक्कन से कवर कर दें, और अब आपने इस पिज़्ज़ा को लो टू मीडियम हीट पे 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है, या फिर इतना कि आप देखें कि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आपने इसको सिर्फ इतनी देर ही पकाना है। तकरीबन 7 मिनट के बाद यह आप देख सकते हैं कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और पिज़्ज़ा बगैर ओवन के यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, और किचन में इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब आप पिज़्ज़ा को केयरफुली एक प्लेट में निकाल लीजिए, और मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखाना चाहूँगी। ये आप देख सकते हैं कि चीज़ जो है वो परफेक्टली मेल्ट हो चुकी है बगैर ओवन के, ये देखिए। तो ये थी आज की रेसिपी पिज़्ज़ा इन पैन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी, और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक भी देंगे। या आप इसका फाइनल लुक भी देख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली कुक्ड, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हुई है, और आप इसका क्रस्ट भी देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।